सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ये आप देख रहे हो 14 इंची का जो टॉप है कलर टीवी का, और ये एसटी के कारण ही ख़राब हुआ है। ये आप देख सकते हो, इसके जो कि ट्यूब में त्रेड है ये देख सकते हो, और इसी कारण ये ट्यूब है जो ख़राब हो चुकी है। ये 14 इंची का कलर टीवी की ट्यूब है जो कि एसटी के कारण ही एसटी ने तोड़ दिया है इस ट्यूब को। तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, जो कि आप देख रहे हो ये एक 14 इंची कलर टीवी है, और इस टीवी में ये जो एसटी कैप होती है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जो कि मैंने ये आपको मैं पुरानी एसटी कैप दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। और इस कारण इसमें जो मैंने आपको ट्यूब दिखाई है वो ट्यूब भी ख़राब हो चुकी थी। इसी के कारण इस टीवी की सप्लाई भी ख़राब हो सकती है, जो कि आप देख सकते हो ये सप्लाई है, ये एसटी और जो भी आवाज़ साउंड आई सी है या मेन आई सी है सब के वोल्टेज यहीं से जाते हैं, ये मेन सप्लाई है, और इस कारण ये मेन सप्लाई भी ख़राब हो सकती है। जो कि मैंने ये कैप पहले ये कैप लगी थी इस कैप को चेंज कर दिया है, और अब जो कि न्यू कैप डाल दी है, ये एसटी कैप होती है। इस एसटी कैप लगाने से पहले मैंने एक केमिकल यूज किया है, जो आप देख सकते हो EHT के नाम से एक ये डबिया आती है सिर्फ 10 रुपया की। तो दोस्तों, ये इससे लगाने से आपके टीवी में जो एक मोचर होता है वो नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो आपकी एसटी कैप ख़राब नहीं होगी। और यदि आपका टीवी में से आवाज़ आती है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी टीवी को मैकेनिक के पास ले जाएं, क्योंकि इस कारण से आपका टीवी है वो टीवी की जो सीआरटी है ट्यूब है वो भी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं, ये बिल्कुल ओके है, और हमारा टीवी भी अभी आपको दिखाते हैं, ये हमारा टीवी भी चल चुका है। तो दोस्तों, इस टीवी में जो ट्यूब ख़राब हुई है वो इसी कारण हुई है, क्योंकि ये आवाज़ करता है जब स्टार्टिंग में ख़राब होता है तो ये आवाज़ करता है, और जब भी आप अपने टीवी के पास खड़े हो तो आवाज़ को ज़रूर चेक करें। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर